भर में बन रहे सनातन धर्म के मंदिर अबू धाबी के बाद अब एक और मुस्लिम देश में बनने वाला है सनातन धर्म का बड़ा मंदिर दिन से लेकर रात तक होगा पूजा पाठ मुस्लिम सरकार ने मंदिर बनाने की जगह को भी कर दिया निश्चित अब बहुत जल्द शुरू होगा निर्माण आज पूरे विश्व में सनातन धर्म की तूती बोल रही है अब मुस्लिम देश भी सनातन धर्म के मंदिरों को अपने यहां बनवाकर भारत से भावना जोड़ रहे हैं इसी का परिणाम है कि यूएई जैसे मुस्लिम देश में भी सनातन धर्म के मंदिर बनवा चुके हैं आने वाले समय में विश्व के कई और देश भी सनातन धर्म के मंदिर बनवाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौदह फरवरी को यूएई के आबुधाबी में भव्य मंदिर का उद्घाटन किया बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर के उद्घाटन के बाद अब एक और मुस्लिम देश में मंदिर बनने की बात निकलकर सामने आ रही है जिस देश में मंदिर बनने की बात निकलकर सामने आ रही है वो मुस्लिम देश बहरीन है बहरीन में भी बीपीएस मंदिर का निर्माण होने वाला है अब फिलहाल मंदिर के लिए जमीन भी आवंटित की जा चुकी है और इस मंदिर के निर्माण के लिए सारी औपचारिकताएं भी लगभग पूरी हो चुकी हैं ऐसे में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है बहरीन में बनने वाला मंदिर भी अबू धाबी के मंदिर की तरह भव्य और सुंदर होने वाला है इस मंदिर का निर्माण भी बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया जाएगा जैसा कि अबू धाबी में बने मंदिर की लागत 700 करोड़ रुपए आई है और अब बहरीन में मंदिर निर्माण में भी लगभग इतना ही या इससे ज्यादा खर्च आने वाला है बीपीएस के प्रतिनिधि मंडल ने बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा के साथ बैठक कर ली है और मंदिर का निर्माण शुरू होने पर सहमति भी बन गई है तो वहीं इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी अक्षरातीत दास डॉक्टर प्रफुल्ल वैद रमेश पाटीदार और महेश देव जी के प्रतिनिधिमंडल ने क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के निर्माण का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करना अलग अलग संस्कृतियों और आध्यात्मिक कार्यों के लिए जगह प्रदान करना है बौचासनवासी श्री अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के महंत गुरु स्वामी महाराज ने बहरीन में मंदिर निर्माण की अनुमति मिलने के बाद वहां के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया उन्होंने इसको लेकर आगे बताया कि यह फैसला दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और धार्मिक सद्भाव के विश्वास को दर्शाता है इसके साथ ही उन्होंने मंदिर के जल्द निर्माण के लिए प्रार्थना भी की ताकि लाखों लोगों को मानसिक शांति मिल सके और उनका आध्यात्मिक विकास हो सके फिलहाल विश्वभर में बना रहे इन मंदिरों का श्रेय जनता जनार्दन बीजेपी को दे रही है ऐसा इसलिए क्योंकि कि जब से सत्ता में बीजेपी सरकार आई है तब से सनातन धर्म की ध्वजा बहुत तेजी से लहरा रही है भारत समेत पूरे विश्व में सनातन धर्म के मंदिर बन रहे हैं और लोगों का भारत के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ रहा है इसके एक नहीं कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो यही है कि इस तरह से भारत की संस्कृति का विकास होगा और भारत के नियम और संस्कारों को पूरा विश्व जानेगा फिलहाल फिलहाल विश्व भर में बन रहे सनातन धर्म के मंदिरों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है आप हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं इतना ही नहीं विश्व भर में बन रहे ये मंदिर भारत के बढ़ते प्रभुत्व को भी दिखाते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी सनातन धर्म के लिए भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिक मात्रा में हिन्दू धर्म के लोग रहते हैं और मंदिर के मामले में भी अपना देश किसी से पीछे नहीं है ब्यूरो रिपोर्ट पीडीएन न्यूज